अपने कोले कोई टैलेंट नहीं है ना सुर है ना कुछ और ना अपने कोले सिर्फ एटीट्यूड आ पॉजिटिव एटीट्यूड नैगेटिव नहीं ये एक ही चीज है जे नैगेटिव होगी तो डुब जाता पॉजिटिव होगी तो चढ़ जाता पॉजिटिव हैगा अपने काम मनी लोग बथेरा कुछ बोलेंगे भी तू ए करदा वो करदा ये करदा जो थोड़े जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना तो थोड़ा कोई थोड़ा जो गोल अचीव करने तो नहीं रोक सकता। हाँ जी दोस्तों सत श्री अकाल पंजाबी सिंगर ते पंजाब दीआं दो तीन वड्डीआं अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ। शुरुआत करदे हां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले दी एल्बम जिसकी कि सब तो ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया ते दोस्तों पिछले दो दिनों तो सिद्धू मूसेवाले ने कोई भी पोस्ट नहीं पाई है अपने किसी एल्बम के गाने की दोस्तों जिस करके ही इसकी चर्चा होर वध गई है सोशल मीडिया से दोस्तों हाल ही हुण एक खबर सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी मूसे टेप एल्बम के ही कुछ गाणियां की शूटिंग कर रहा है दोस्तों कुछ क्लिप्स भी सामने आईया हैं तो इतों तक कि सिद्धू मूसेवाले के वीडियो डायरैक्टर ने भी यह गल कह दी कि मूसा टेप के हले कुछ गाणियां की शूटिंग रहती है तो दोस्तों हुण नाल ही सोशल मीडिया से यह अफवाह भी शुरू हो गई कि सिद्धू मूसेवाले की एल्बम डिले हो सकती है। पहला दोस्तों यह गल कही जा रही थी सिद्धू मूसेवाले ने खुद भी यह गल कही थी कि 6 अप्रैल इस दिन सिद्धू मूसेवाला अपनी एल्बम रिलीज कर सकता है पर दोस्तों हुण 6 अप्रैल से भी आशंका जताई जा रही है सिद्धू मूसेवाला इसनों कुछ टाइम लिए डिले भी कर सकता है। बाकी दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जैसे हिसाब नाल शूटिंग कर रहा है दो दिन हो गए किसी गाने का पोस्टर नहीं पाया इदां तां लग ही रहा है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी एल्बम कुछ टाइम लिए डिले जरूर कर सकता है। बाकी दोस्तों कुछ भी कहना मुश्किल है सिद्धू मूसेवाला भी लाइव आके कुछ नहीं बोलिया ना ही सिद्धू मूसेवाले की ऑफिशियल टीम गोल्ड मीडिया उन्होंने भी इस बाबत कोई पोस्ट नहीं पाई ना ही कोई जानकारी दी है। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की एल्बम का आप होर जिक्र करांगे पर उत्थे सिद्धू मूसेवाले की दोस्त बारहवीं मां का असीं पहला जिक्र करना चाहवांगे जिन्हां की नवीं पोस्ट सोशल मीडिया से चर्चा का विषय है। दोस्तों पहला तुहानूं इह दस दईए कि कैंबी ते सुल्तान दा जिसदा कि प्रेम ढिल्लो नाल विवाद चल रहा है उसकी भी आपां थोड़े टाइम बाद चर्चा करांगे। पहला तुहानूं इस पोस्ट बारे दस दईए कैंबी ते सुल्तान इकट्ठिआं दा गाणा आया ते दोस्तों बारहवीं मां ने इस पोस्ट नूं शेयर करदे होए सुल्तान दा नाम पूरी तरह हाइड कर दिता ते दोस्तों जिस तों बाद फिर इंस्टाग्राम पेजां वालिआं ने गल चक ली ते दोस्तों तुसीं हैशटैग देख ही सकदे हो कि लिखा होया है गजब बेइज्जती है यार ते दोस्तों सुल्तान नूं उहनां ने टैग भी कीता ते बाकी दोस्तों हुण इह गल दस्सण दी भी लोड़ नहीं कि सुल्तान दा किन्ना नाल पंगा पिया होया है। सुल्तान पहला सिद्धू मूसेवाले नूं भी रिप्लाई कर चुका है ते प्रेम ढिल्लों नाल भी हुण गाने करके कुछ क विवाद उसका चल रहा है। बाकी दोस्तों बारहवीं मां ने सिर्फ कैंबी की ही सपोर्ट की सुल्तान का नाम पूरी तरह हाइड करन करके सोशल मीडिया से इस पोस्ट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है ते दोस्तों इसे दे नाल ही प्रेम ढिल्लों ते सुल्तान इन्ना बड़ा मसला भी सोशल मीडिया से काफ़ी पकया होया है। बाकी दोस्तों प्रेम ढिल्लों ने गाने विच रिप्लाई किया है सुल्तान नूं इदां कहा जा रहा है ते सोशल मीडिया से तुसीं बहुत सारिया वीडियोज़ देख भी लिया हो पर दोस्तों गाने तो बाद ना प्रेम ढिल्लो बोलिया ना ही सुल्तान बोलिया पर दोस्तों सुल्तान के कुछ दोस्त जिन्हां दे की गाने भी आ रहे हैं वह प्रेम ढिल्लो डायरैक्ट ही टारगेट कर रहे हैं ते कुछ आपत्तिजनक शब्द भी उन्होंने प्रेम ढिल्लो लिए वरते हैं ते दोस्तों सिर्फ इन्ना ही नहीं सुल्तान के एक दोस्त ने तो सिद्धू मूसेवाले भी टारगेट कर दिता ते दोस्तों जिस तो बाद उस दीआं पोस्टां हेत बहुत ही पद्दे कमेंट भी आने लग गए सन ते दोस्तों जिस करके ही यह विवाद थोड़ा जिहा होर पखिया होया है। सुल्तान ने किन्ने ही वार सिद्धू मूसेवाले नूं टारगेट किया है लाइव आके सुल्तान किन्ने वारी सिद्धू मूसेवाले नूं बोलिया है गाणियां विच किन्ना रिप्लाई किया है पर दोस्तों सिद्धू मूसेवाले ने एक बारी भी सुल्तान नूं कोई रिप्लाई नहीं किया ते दोस्तों सिद्धू मूसेवाले दे फैन ही काफी हैं जदों हुण प्रेम ढिल्लो दा विवाद होया है सुल्तान नाल ते सुल्तान दे दोस्तां नाल ते दोस्तों उत्थे ही एक सिद्धू मूसेवाले दे फैन ने सुल्तान नूं रिप्लाई करदे होए एक गाणा कढ दित्ता है जिस विच भी सुल्तान नूं जवाब दिंदे होए उसने कुछ अपशब्द वरते हैं ते दोस्तों इन्ना ही नहीं दोनों धड़ एक दूजे नूं टारगेट कर रहे हैं पर दोस्तों प्रेम ढिल्लो ते सिद्धू मूसेवाला नहीं बोल रहा उन्हां दे फैन ही बोल रहे हैं ते दोस्तों सुल्तान भी पूरी तरह चुप है उसनू कोई फर्क नहीं पिया प्रेम ढिल्लो नू उसनू गाने विच रिप्लाई किया जां नहीं किया पर सुल्तान दे दोस्त कुछ ज्यादा ही नीचा दिखा रहे ने प्रेम ढिल्लो नू ते दोस्तों कुछ एडिटिंग वीडियो भी वो शेयर कर रहे हैं जिन्हां विच कि प्रेम ढिल्लो नू नीचा दिखाया गया है। बाकी दोस्तों कहने का मतलब विवाद थोड़ा जिहा वध ही गया है पर प्रेम ढिल्लो ते सिद्धू मूसेवाला चुप ने पर हुण आस करते हैं कि यह मामला बहुत जल्द ही सुलझ जाएगा। इदां सोशल मीडिया ते पोस्टां पा के एक दूजे नू टारगेट करना रिप्लाई करना अपशब्द एक दूजे नू बोलना इदां पंजाब दा माहौल काफ़ी खराब हुंदा है ते दोस्तों कुछ लोगों ने यही सलाह दी है कि तुसी सोशल मीडिया ते इदां किसी नू पोस्टां पा के जवाब ना दिओ जे कोई तुहाडी आपस विच गल है तां तुसी बैठ के सुलझा लवो। ते दोस्तों हुण आपां मुड़ सिद्धू मूसेवाले दीआं शूटिंगां वल परतदे हां मूसा टेप दे कई गाणियां दीआं शूटिंगां रहिंदियां ने ते दोस्तों हुण इह वी कहा जा रहा है सिद्धू मूसेवाले दी एल्बम बारे कि पहलां सारे गाणियां दी ऑडियो आ सकदी है ते उस तों बाद टाइम नाल गैप पा के सिद्धू मूसेवाले दे हरेक गाणे दी वीडियो आवेगी ते दोस्तों शूटिंग टाइम दीआं ही कुछ क्लिप्स
सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही ने। इस गाने की मॉडल भी सिद्धू मूसेवाले की तारीफ करती नज़र आई। तो दोस्तों हुण तां यही कहा जा सकता है जैसे हिसाब नाल शूटिंगां चल रही ने कि सिद्धू मूसेवाले की एल्बम नूं आउण विच थोड़ा जिहा टाइम लग सकता है। दोस्तों जो पहला डेट कही जा रही थी 6 अप्रैल की, 4 दिन रह गए हैं पर सिद्धू मूसेवाले ने एक भी पोस्ट इस बारे नहीं पाई कि ऑफिशियल मेरी एल्बम इस दिन रिलीज होनी है। सिद्धू मूसेवाले की टीम ने भी अजिहा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों हुण तां यही कहा जा रहा है सिद्धू मूसेवाले के फैन पेजा वालों कि एल्बम नूं थोड़ा जिहा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों इत्थे हुण दलजीत दोसांझ का असीं जरूर जिक्र करना चाहवांगे जिसकी कि हौसला रख फिल्म का शूट चल रहा है। तो दोस्तों हाल ही उसने सोनू वाजपा ते शहनाज गिल इन्हां नाल पोस्ट पाते हुए यह गल कही कि मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों सोनू वाजपा जिसका कि सिद्धू मूसेवाले नाल एक गाना भी आ रहा है, एल्बम विच ही गाना ऐड किया गया है। तो दोस्तों जदों सिद्धू मूसेवाले ने इस गाने का पोस्टर पाया तो यह नहीं दस्सिया कि इस गाने विच कैसा म्यूजिक है। तो दोस्तों एक होर मुद्दे की गल यह है कि सोनू वाजपा जी भी हाल ही सिद्धू मूसेवाले का गाना सुन की दिखाई दी। तो दूजे पासे शहनाज गिल जो कि सिद्धू मूसेवाले की बहुत वड्डी फैन है, जदों वह पहला बिग बॉस के बॉलीवुड विच नहीं सी गई वह सिद्धू मूसेवाले के टाइम गाने सुनती नजर आई सी। ते दोस्तों जदों सिद्धू मूसेवाले ने अपनी एल्बम का पहला पोस्टर पाया सी उदों भी उसने उस पोस्टर नूं शेयर किया सी। ते दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की एल्बम की उड़ीक कल्ले फैनां नूं ही नहीं बॉलीवुड ते हॉलीवुड के स्टारां नूं भी है। ते दोस्तों जो सिद्धू मूसेवाले ने अपना जी क्लास गाना अनाउंस किया सी जो उस विच एक हॉलीवुड का रैपर है वह अज सिद्धू मूसेवाले का AK-47 गाना सुन रहा सी। ते उस तों बाद दोस्तों एक होर गाना वह सिद्धू मूसेवाले का सुन रहा सी। ते दोस्तों हॉलीवुड के रैपरां बारे सिद्धू मूसेवाले की एल्बम नाल संबंधित कुछ कु होर अफवाहां भी सोशल मीडिया से फैल रही ने। हॉलीवुड का रैपर है मीक मिल दोस्तों बहुत ज्यादा चढ़ाई है उसकी हॉलीवुड में, जिवें सिद्धू मूसेवाले नूं पंजाब विच लोक मानते हैं उवें मीक मिल की हॉलीवुड में चढ़ाई है। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले ने स्टोरी विच मीक मिल का गाना चलाया सी जदों उसने अपनी एल्बम का ऐलान किया सी। ते दोस्तों उस तों बाद एक फोटो भी सामने आई है सिद्धू मूसेवाला ते मीक मिल दी। ते हुण कई सिद्धू मूसेवाले दे दोस्त मित्र भी कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ते मीक मिल कलैब करन वाले ने। ते दोस्तों जेकर अजिहा हुंदा है तां सिद्धू मूसेवाला मां बोली पंजाबी ते पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं नैक्सट लैवल ते लै जावेगा। मीक मिल दा दोस्तों हरेक गाना बिलबोर्ड चार्ट ते ट्रेंड करदा है, वर्ल्ड वाइड पूरी तक पाउंदा है। ते दोस्तों इत्थों तक कि ड्रेक उह भी मीक मिल दे गाणियां नूं सुणदा है। ते हुण दोस्तों यही देखना होवेगा कि जो सिद्धू मूसेवाले ने अपने 4 गाने स्किट किए हैं उन्हां विच जां जिहड़े 4 गाने ऐलान करन वाले रह गए हैं उन्हां विचों कि उन्हां विच सिद्धू मूसेवाला ते मीक मिल इकट्ठे हो सकते हैं, यह गल दोस्तों वाकई ही देखने वाली होगी। बाकी दोस्तों इस एल्बम बारे तो सिद्धू मूसेवाले ने 1.5 साल पहला ही यह गल कह दी सी कि जो मेरी एल्बम आएगी बॉलीवुड के हॉलीवुड के रैपरां नाल उस विच कलैब होगी। तो जो हुण तक गाने आए हैं ओल्ड स्कूल तक्का वह तो सिर्फ टुट भज ने, असली गाने मैं एल्बम विच ऐड किए ने। तो दोस्तों हुण इंतजार खत्म होने वाला है, कुछ दिनों तक ही सिद्धू मूसेवाले की एल्बम रिलीज हो जानी है। तो दोस्तों इस एल्बम के नाल बहुत सारे रिकॉर्ड टुट सकते हैं तो कैम हो सकते हैं। तो दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि अजे तक किसी भी पंजाबी सिंगर की एल्बम की इन्नी हाइप नहीं हुई जिन्नी सिद्धू मूसेवाले ने कर दी है। सारिया पोस्टा डिलीट करना, फिर विरोधियों को चेतावनी देना, फिर उस तो बाद इकले इकले गाने का पोस्टर पाना, शायद ही किसी होर पंजाबी सिंगर ने इदा किया हो। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की एल्बम तो पहला होरना सिंगर दिया भी एल्बम्स आ गई ने। मनिंदर बुट्टर जो कि सिद्धू मूसेवाले का बहुत वधिया मित्र है उसकी भी अज पूरी एल्बम रिलीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों जिसकी सपोर्ट की है सिद्धू मूसेवाले के दोस्तों मित्रों ने, तो सिद्धू मूसेवाले की ऑफिशियल टीम ने। तो दोस्तों तुम पहला भी सिद्धू मूसेवाला एमी विर्क के मनिंदर बुट्टर इकट्ठिया देखा होगा। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले ने इस एल्बम का एक गाना अपने FB पेज से शेयर किया है। तो दोस्तों अखीर से असी सवाल तुहानू यह पूछना चाहते हाँ कि सिद्धू मूसेवाले की एल्बम जेकर एक दिन में ही सारे गाने रिलीज होते हैं तो किहड़े किहड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो जिहड़े जिहड़े सिद्धू मूसेवाले ने गाने ऐलान किए हैं लीक गाने भी इस विच ऐड किए हैं कि यह एल्बम बिलबोर्ड चार्ट वर्ल्ड चार्ट इन्हां ते पहले दिन ही तक पा सकती है। इस बारे तुसी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की एल्बम का मुकाबला है दलजीत दोसांझ की एल्बम नाल। स्पॉटीफाई ते एप्पल म्यूजिक ते दलजीत दोसांझ की एल्बम का एक वक्खरा रिकॉर्ड बनाया होया है। पंजाबी सिंगरां विचों सिद्धू मूसेवाला ते दलजीत दोसांझ इन्हां दोनों की ही एल्बम ट्रेंड की है बिलबोर्ड चार्ट ते, दलजीत की गोट ते सिद्धू मूसेवाले की PBX1। तो दोस्तों हुण दूजी एल्बम सिद्धू मूसेवाले की जो हुण आ रही है कि यह भी बिलबोर्ड चार्ट ते ट्रेंड करेगी, यह गल वाकई ही देखने वाली होगी। तो दोस्तों जे तुसीं भी अपनी कोई वीडियो जां न्यूज़ साडे नाल शेयर करना चाहुंदे हो तां साडे इंस्टाग्राम अकाउंट ते भेज सकदे हो, ते नाल ही साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिओ। धन्नवाद।